आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में 2 साल के मासूम बेटे का गला घोटने के बाद एक माँ खुद फांसी के फंदे में झूल गई। महिला का शव घर के अंदर फांसी पर लटकता हुआ पाया गया तो वहीं बेटे का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला। माँ और बेटे की एक साथ हुई मौत की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। घटना रीवा जिले के लौर थाना क्षेत्र ग्राम डिहिया करहियान टोला की है, जहां रहने वाली सुनीता कुशवाहा का शव फांसी पर लटकता पाया गया है तो वहीं 2 वर्षीय मासूम बेटे का शव बिस्तर पर पड़ा मिला है। बताया जा रहा है कि महिला ने पहले बेटे का गला घोटकर हत्या की और फिर खुद बाद में फांसी के फंदे में झूल गई। महिला ने यह कदम क्यों और किन कारणों के चलते उठाया है इसका कारण अभी अज्ञात बताया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि ग्राम डिहिया करहियान टोला निवासी राम नारायण कुशवाहा रविवार को 4 साल की मासूम बच्ची को लेकर अस्पताल गए हुए थे। इस दौरान घर पर मौजूद पत्नी सुनीता अपने 2 साल के मासूम का गला घोटने के बाद खुद मौत के गले लगा बैठी। घटना की जानकारी लोगों को तब हुई जब महिला का पति अस्पताल से देर शाम घर लौटा। पति ने जब घर जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि पत्नी की लाश फांसी के फंदे में लटक रही है तो वहीं मासूम बच्चे की लाश बिस्तर पर पड़ी है। घटना की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है और महिला द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम के कारणों का पता लगाया जा रहा है।